विदिशा जिले के गंजबासोदा में नगर कांग्रेस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के जयस्तंभ चौक पर पुतले का दहन किया। कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन की जानकारी लगने पर प्रशासन ने जयस्तंभ चौक पर भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड को तैनात किया था। लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए चौक तक पहुंच गए और बीच में छुपाकर लाए गए पुतले में चलते हुए आग लगा दी, जिससे पुतला जल गया, वहीं दूसरे छोर पर खड़ी फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं आई। बाद में पुलिस ने जला हुआ पुतला छीना और पानी की बौछार की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में भारी भ्रष्टाचार है, जिससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।